कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की जानिब से मौसम हुए इतला के मुताबिक जम्मू श्रीनगर शहरा 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक रोज़ाना 4 घंटों तक मुसलसल ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद रखी जाएगी। हुकाम ने बताया कि 270 किलोमीटर तवील शहरा जुम्मे के रोज़ यानी आज से ही सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रखी गई थी और यही सिलसिला अभी आने वाले 4 दिनों तक जारी रहेगा, ऐसा कहना था ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का। और साथ ही उन्होंने वजह इस ताल्लुक से ये बताई कि जो पसियां गिर आई हैं उससे मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मत का काम मुकम्मल करने की दरकार रहेगी। तो इस वजह से रोज़ाना यानी आने वाले 4 दिनों तक रोज़ाना ट्रैफिक की नकलो हरकत सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 4 घंटों के लिए बंद रखी जाएगी। इस पर चीफ सेक्रेटरी AK मेहता ने इस बात को मंजूरी देते हुए मुतलिका अफसरान को ये हिदायत दी कि जो ये रास्ता है इस पर आप लगातार 5 दिनों तक तंगदेही से काम करें और बिलखसूस अपनी तवज्जो वहाँ मरकोज़ रखें जहाँ से पसियाँ गिराती हैं, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी दिक्कत का सामना पैसेंजर्स को या गाड़ियों को न करना पड़े। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो बानीहाल और रामबन के दरमियान का जो रास्ता पड़ता है उसमें ब्लैक टॉपिंग और डबल लेनिंग का काम आने वाले 10 दिनों तक वो मुकम्मल करें। अब जाहिर सी बात है जब हम ये बात सुनते हैं या इस तरह की एडवाइजरी सुनते हैं कि शहरा जो है बंद रहेगी, चाहे 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटों के लिए ही सही, 4 घंटों के लिए ही सही, तो इसमें इस तरह के खदशात, इस तरह के सवालात ज़रूर हमारे जहन में उमड़ के सामने आते हैं। और वो सवालात ये होते हैं कि इस वक्त जो माल बरदार गाड़ियाँ हों या बिलखसूस मेवा बरदार गाड़ियाँ हैं, क्योंकि फल जो है वो पक्के तैयार हैं, तो वो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ गाड़ियों में ट्रक्स में भर के हैं, उन्हें बाहर जाना है, ख़रीदो फरोख्त का जो मामला है वो चलना चाहिए, तो क्या उन्हें भी 4 घंटों तक मुसलसल एक जगह रोका जाएगा और वो कहीं वो जो फल है वो ख़राब तो नहीं होंगे। लेकिन इस ताल्लुक से AK मेहता का ये कहना था कि तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले हम उन्हीं माल बरदार या उन्हीं फल बरदार गाड़ियों को बाहर भेजेंगे, उसके बाद बाकी ट्रैफिक चलेगा। यानी तरजीह बुनियाद पर सबसे पहले जो फल बरदार गाड़ियां हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, उसके बाद बाकी ट्रैफिक बहाल होगा। तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की जानिब से जो हमें मौसूल हुई वो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए आप भी बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।